अभी हम आलिया को एतकाफ़ से उठाने लगे हैं, तो अभी देखते हैं कि उसने दुआ मांग ली है कि नहीं। आलिया, आलिया नहीं, वो अभी दुआ मांग रही है, अभी वो फ्री नहीं हुई है। तो अभी हम लोग दोबारा आते हैं 5 मिनट बाद। अब हम लोग आलिया को दोबारा देखने लगे हैं कि वो फ्री हुई है या नहीं। आलिया यार, अब तो आ जाओ, बस करो, ईशा होने वाली है। हम लोगों ने तो अभी तक इफ्तारी भी नहीं की है, थोड़ा सा खाया था यार, भूख लगी हुई है। आप ही आ जाए। तो ये आलिया उठ गई है एतकाफ से। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम बेबी, कैसी हैं आप? मुझे पता था चंदा पहले फूल पकड़ के खड़ी होगी। हाँ, फ्लावर लेकर आई हूँ। थैंक यू। मैं आपके लिए वो मोतियों की माला लेकर आई हूँ। अल्लाह ताला आपको इसी तरह जन्नत की भी मालाएं पहनाए। आमीन। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, और आप हर साल ऐसे बैठती रहो और अच्छा ससुराल दे, अच्छा हस्बैंड दे। आमीन। चले बाजी, आपकी बारी। और रिंग भी है कि आप ही देंगी कि मैं ही पहना दू? आप ही पहनाओ, 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 चंदा पहनाओ। नहीं, ये बहुत खूबसूरत आप ही लेकर आई हैं। इसके लिए रिंग, ये गोल्ड की है। अरे और ये आप, अरे ये तो मैंने देखी थी। यस यस, मैं पहनाऊंगी, मैं पहनाऊंगी। बस पहन लियो, बस पहन ली। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे मिठाई भी खिलाओ ना, मिठाई भी खिलाओ उसको। चले बाजी, अब आपकी बारी। चलो अभी नैनी उनको पहनाने दो ना, पहले हार पहनाने दो। थैंक यू, बहुत बहुत आपको अल्लाह आपको जिंदगी दे, बड़ी अल्लाह बहुत कुछ दे आपको। चले आलिया को मिठाई खिलाएं, आलिया को मिठाई खिलाएं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे और आपकी भी सारी दुआएं कबूल करे। मुझे नहीं पता था आप ही वीडियो बना रही होंगे, वरना मैं आपको कहती आप तेरी रिंग लाइट लगा ले, अभी काली काली वीडियो आ रही होगी ना, है ना? बहुत प्यारी ऐसे भी आ रही है। थैंक यू सो मच आप ही, बहुत शुक्रिया आपका। बाजी फूल लाई है, क्या खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता ये नकली खुशबू लगाते हैं या असली आ रही है, पर बहरहाल बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। तो ये था मेरा एतकाफ। वैसे तो मैंने ये एतकाफ वाली बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी, और अब मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए हैं, तो जाहिर है फिर हर चीज़ पे व्लॉग बनाना पड़ेगा। और इस बात का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप ही मेरा व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता था ना कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने शुरू कर दी वीडियो। और अच्छा, कोई बात नहीं, आलिया छोड़ दो, खुद ही कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग ही करेंगे, मैं तो सिर्फ एक दिखाने के लिए वीडियो है कि मैं काम भी करती हूँ, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती, सिर्फ दिखाने के लिए मैं इकट्ठा कर रही थी। खैर, अच्छा जी, मैंने कुरान पाक माशाल्लाह से, मेरी लाइट नहीं आ रही, ना नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सही आ रहा है माशाल्लाह से, मैंने कुरान पाक तफसीर से कंप्लीट किया है। और कुरान पाक में मैंने कुछ चीज़ें माशाल्लाह से बहुत डेप्थ में जाकर सीखी हैं, शायद मैं उन पर स्पेशल सी वीडियो कभी ना बना पाऊँ। अभी मौका है तो आप लोगों के साथ एक दो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे माशरे के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ भी बड़ा बड़ा एक इशू है, मेरा जिस मेरी मर्जी पर जब मैंने कुरान को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए इतना कुछ दिया है जिससे हम बेखबर हैं, जैसे हम जानते ही नहीं हैं, या शायद हमने कभी उससे जानने की कोशिश ही नहीं की। तो मैं आज वो बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, मर्द हाकिम है औरतों पर। तो जो औरतें कहती हैं मेरा जिस मेरी मर्जी, मर्दों को खाना क्यों पका के दें, क्यों गर्म करके दें, भी मैं तो अपने शौहर को खाना गर्म भी करके दूंगी, उसको पानी भी पिलाऊंगी, उसके कपड़े भी धोऊंगी और प्रेस भी करूंगी, क्यों?
क्योंकि वो डिजर्व करता है, अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही ऐसा है। और ये कुछ तबके ने आकर ये जो आई एम सॉरी गंदगी फैला दी है ना, ये बहुत बहुत गलत हरकत की है उन लोगों ने, इस एजेंडे को उठा के, इस आवाज को उठा के। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ माशरे के मर्द हैं जो औरतों पे जुल्म करते हैं, कुछ बुरी नेचर के लोग हैं, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग चीज है। लेकिन ज्यादा मर्द अच्छे हैं, अच्छे लोगों से ये दुनिया चल रही है, और कुछ बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों पे भी बात आती है। तो मैंने ये बात पढ़ी और सीखी जो कि मेरे यहाँ टच की यहाँ पे। और जब मैं सूरह निसा पढ़ रही थी तो उसमें जब ये आया तो दिमाग में फौरन आया मेरे कि यार ये तो वो हॉट टॉपिक है हमारे पाकिस्तान का, जो कि बाहर के मुल्कों ने यहाँ पे आके एजेंडे और कुछ लोग खरीद लिए और उनको वहां पे बड़ी बड़ी एन के लगा के और इंग्लिश के चार लफ्ज जिनको आते हैं और बैग पहनाकर, और पता नहीं वो कहाँ से औरतें आती हैं, मेरी समझ से बाहर है। इनको कौन सी आजादी चाहिए भी, इससे ज्यादा आजादी क्या आपको होगी कि आप सड़कों पर नंगी नाच रही है, आप सड़कों पर इस तरह से खुलेआम घूम रही है। मैंने एक वीडियो देखी थी नाउजबिला, वो बहुत बुरी वीडियो थी, ये इसी पे मेरा जिस मेरी मर्जी पे वो वीडियो की निकली थी। तो खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, और ये रात शॉपिंग्स की या ये रात हल्ले गुल्ले की नहीं है, है किसी हद तक, लेकिन ये रात दुआओं की है, ये रात ऐसी है जिसपे अल्लाह ताला ने हमें आज वो जजा देनी है जो हमने पूरा महीना रोजे रखे, दुआएं मांगी, सब नफल पढ़े, हमने कुरान पढ़ा, उसकी आज हमें। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, और आज रात आप लोग घूमे फिरे कम, शॉपिंगें जाकर कम करें, और आज की रात चार नवाफिल पढ़ के अल्लाह ताला से जरूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये रात हमें फाइनल अजर मिलता है जो हमने पूरा महीना इबादत की होती है, उसका हमें आज के दिन वो फ्रूट की बास्केट हमें आज मिलनी है। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग तो मेरी दुआओं में थे ही, मैंने एतकाफ में सबके लिए दुआएं की हैं, पूरी उम्मत के लिए दुआएं की हैं, अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं की हैं, और बस यही कहना था मुझे। थैंक यू अभी मेरा व्लॉग बना, चलो आलिया बस अब जल्दी से आओ फिर खाना खाते हैं। हाँ चले ओके चले। बेबी आपको इत्तेकाफ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। क्या मैं अजीब नहीं लग रही, इतने फूल फैलाए जा रहे हैं मुझे। थैंक यू। ये क्या है? ये तो चॉकलेट्स हैं। अरे वाह, थैंक यू। आप लोग बोल सकते हैं मेरे भी लोग नहीं, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? चलो मुबारक हो, बहुत बहुत एतकाफ मुबारक। थैंक यू। और बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, बड़े सारे कमेंट आए हुए हैं मुबारक के। थैंक यू। ये सब लोग मुझे इशारे कर रहे हैं कि हमने नहीं बोलना। चलिए जी, ये सब मैं रिमूव कर रही हूँ, मेरी बहन को बहुत भूख लगी हुई है और मुझे भी भूख लगी हुई है, और अभी हम जाग कर खाएंगे खाना। चलिए वीडियो बंद कर दें अभी यहाँ पे। अरे वाह, आप लोगों ने तो टेबल बहुत अच्छी सजाई है। थैंक यू। चलें जी, अभी मैं खाने लगी हूँ अपना खाना, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। मैं कल कोशिश करूंगी मैं अपना ईद का भी व्लॉग बनाऊँ, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा लूँ। लव यू ऑल, बाय।